अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट इमरान अली। एक दफ़ा फिर मेरे चैनल टेक्निकल इमरान अली पे खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी सोलर प्लेट में लाइनें क्यों आ जाती हैं। अक्सर देखने में आया है कि सोलर प्लेट में लाइनें आ जाती हैं, तो ये क्यों आती हैं। दोस्तों मैं ए टू जेड मुकम्मल आपको गाइड करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो मेरा चैनल टेक्निकल इमरान अली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक सोलर प्लेट है मेरे सामने। इसकी वीडियो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि इसके बेशतर सेल में लाइनें हैं। कुछ सेल ठीक हैं और कुछ सेल में लाइनिंग है, और ये लाइनिंग क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा कि आपके सोलर सेल में लाइनें क्यों आती हैं। या आप देखें कि मेरे कुछ सेल ठीक हैं सोलर के, और कुछ सेल में लाइनें आई हुई हैं। कई सेल पे ज़्यादा बड़ी लाइनिंग है और किसी सेल पे छोटी छोटी। ये देखें दोस्तों, इस पे दो बड़ी लाइनें हैं, सिर्फ एक ही सेल पे आपको नज़र आ रही होंगी। ये सात सेल है, इसके ऊपर भी लाइन है, इसके सात वाले सेल पर भी, नीचे भी ये सेल भी आपको नज़र आ रहा है, इस पर भी लाइनें हैं। कि दोस्तों लाइनें क्यों आती हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने एक सोलर का सेल तोड़ के रखा हुआ है। मैंने इसे तोड़ा है, तोड़ के रखा है सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमारे सोलर सेल में लाइनें क्यों आ जाती हैं। अक्सर प्लेटों में लाइनें आ जाती हैं, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी सोलर प्लेट में लाइनें क्यों आती हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक सोलर सेल है, इसे देखें। यह इतना नाजुक है कि ये पेपर, जैसा कि आप बाज़ार से एक पेपर शीट लेते हैं ना, ये पेपर शीट के जितना बारीक है सेल। ये गौर से देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा ये पेपर शीट की तरह बारीक है सेल। तो दोस्तों जब सोलर प्लेट की असम्बलिंग हो रही होती है, यानी कि जब सोलर प्लेट तैयार कर रहे होते हैं, ये मैंने यहाँ से पकड़ा ही है तो ये क्रैश होना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इतना नाजुक होता है कि ये ऐसे आप पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा। जब सोलर प्लेट की असम्बलिंग हो रही होती है, जब यानी कि सोलर प्लेट जब तैयार हो रही होती है, तो सोलर प्लेट की तैयारी के दौरान ही ये सोलर सेल कहीं से क्रैश हो जाते हैं। ये देखें, ये इसके पॉइंट हैं, ये ब्रेक लाइनिंग आपको नज़र आ रही है, यही इसके मेन पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों कहीं से भी ये पॉइंट क्रैश हो गया असम्बलिंग के दौरान, सोल्डिंग के दौरान, कहीं से भी ये इसका पॉइंट क्रैश हो गया, तो दोस्तों वो प्लेट एक्सरे मशीन से चेक की जाती है, जो कि साइड पर कर दी जाती है। यानी कि वो बी पेयर सोलर पैनल होता है, यानी कि कंडम पैनल उसे आप कह सकते हैं। तो वो दोस्तों आप प्लेट लेके आते हैं तो वो आपको बी पेयर पैनल दे देते हैं, और थोड़ा ही अर्सा चलने के बाद उसकी प्लेट में लाइनिंग आना शुरू हो जाती है। यानी कि जहाँ से उसके पॉइंट ब्रेक हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, ब्रोकन सेल होते हैं, सेल टूट जाते हैं, वहाँ से वो सेल स्पार्किंग करते हैं। जैसे जैसे धूप पड़ती है वो सेल स्पार्क होते हैं आपस में, स्पार्किंग की वजह से वो आपके सोलर सेल में लाइनें आ जाती हैं। दोस्तों आप से गौर से देख लें, ये कितना ब्रीक है, एक पेपर शीट के जितना ये ब्रीक सेल होता है। तो दोस्तों बी पेयर पैनल से बचें। ये देखो मैंने ऐसे, ये ऐसे ही टूटता जा रहा है, देखो ज़रा सा पकड़ा ये टूट जाता है। तो जब इसकी तैयारी हो रही होती है तो ये सोलर सेल डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में इनकी स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग की वजह से इनमें लाइनें आना शुरू हो जाती हैं आपकी सोलर प्लेट में। और सोलर प्लेट के जो नीचे एम्पेयर हैं, वोल्टेज हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और आप परेशान होते हैं कि हमारी प्लेट के वोल्टेज एम्पेयर बहुत कम हो रहे हैं। तो दोस्तों बी पेयर पैनल से बचें, ए ग्रेड पैनल चूज़ करें। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर कि कौन सा हमें पैनल लेना चाहिए, और इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा पैनल ए ग्रेड है या बी ग्रेड है।
दोस्तों मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल टेक्निकल इमरान अली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।